हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सभी लोग घरों में हैं और आपका जो आईटीजेई का एग्जाम है वो भी पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी आपको मिल गया है। तो इन माय ओपिनियन आपको इस एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए और कुछ और अच्छे एफर्ट डालने चाहिए अपनी प्रिपरेशन में। इसी सीरीज में आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद हम बात करें। हाँ तो स्टूडेंट, ये जो इंटीग्रेशन है, देखिए इसमें अपने को 1 अपॉन x प्लस साइन x को इंटीग्रेट करना। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि देखिए, किसी भी ऑप्शन में इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं पूछा गया ना, हमें इसको कंपेयर करना है। तो जनरली ऐसे केस में आप पाएंगे कि जब आईटी एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक ऐसा इंटीग्रेशन दिया जाता है जिसको कि इंटीग्रेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो। तो ठीक वही चीज यहाँ है, इसको इंटीग्रेट कर पाना मुश्किल है, तो फिर हम क्या करें। तो चलिए हम ऑप्शन पे गौर करते हैं। देखिए, आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो इन तीन ऑप्शन में आपको एक सिमिलरिटी दिखेगी कि सब में डिनोमिनेटर में 3 पाई माइनस 2 आ रहा है, करेक्ट। अब ये 3 पाई माइनस 2 क्या है, देखिए इसको अगर मैं यहां देखता हूं, x 1 अपॉन x प्लस साइन x मेरे पास है, इधर पाई है और इधर 2 पाई है, मुझे 3 पाई यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं 2 यहां से देखूं, कॉमन लू ना दोस्तों, तो ये 3 पाई बाई 2 माइनस 1 टाइप टर्म बनेगी, करेक्ट। अगर आप गौर से देखिए इस फंक्शन को, अगर मैं एफ एक्स बोलता हूं तो ये इस फंक्शन की वैल्यू अगर हम निकालें 3 पाई बाय 2 पर, तो वो आएगी 1 अपॉन 3 पाई बाय 2 माइनस 1, यानी कि 2 अपॉन 3 पाई माइनस 1, 3 पाई माइनस 2 सॉरी। तो यहां से हमें कुछ समझ में आता है कि इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन 3 पाई बाय 2 के फंक्शन की वैल्यू से है। तो चलिए इस फंक्शन को हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि ये कैसा इसका ग्राफ होगा, करेक्ट। तो यहां चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए तो लेट कि ये मान लेते अपना वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया इस तरह से, और यहां कहीं पाई मान लेते हैं और ये हम ले लेते हैं 2 पर। इसके बीच में ही मुझे इस ग्राफ को स्टडी करना है। तो अगर अपन फंक्शन में, फंक्शन क्या था अपना, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस साइन x, सो इफ आई पुट x इक्वल टू पाई हियर, तो आपको यहां मिलेगा 1 अपॉन पाई प्लस साइन पाई, साइन पाई जीरो हो जाएगा, तो मैं ये कहीं पॉइंट मान लेता हूं, दिस इज पाई कॉमा 1 अपॉन पाई, करेक्ट। अच्छा, यहां आप देख सकते हैं कि हम जानते हैं x प्लस साइन x जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये उसका रेसिप्रोकल है, तो ये डेफिनेटली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो 2 पाई पे अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो उससे नीचे कुछ इस तरह से हमें 2 पाई पे वैल्यू मिलेगी, दैट इज 2 पाई 1 अपॉन 2 पाई प्लस sin 2 पाई, sin 2 पाई भी 0 होता है, तो 1 अपॉन 2 पाई, ये अपने को यहां पे फंक्शन की वैल्यू मिल गई। फंक्शन जो अपना डिक्रीजिंग है, तो चलिए कुछ रफ स्केच हम इसका ऐसे बना लेते हैं, और बीच में ये है मान लो हमारे पास दोस्तों 3 पाई बाई 2, तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 3 पाई बाई 2 हो गया, वैल्यू फंक्शन की जैसा हम देख चुके हैं ऊपर 2 अपॉन 3 पाई माइनस 2, ये अपने को मिलेगा, करेक्ट। अब हम ऑप्शन से कुछ पहचानने की कोशिश करते हैं। देखिए इस वैल्यू को भी मुझे यूज में लेना है, करेक्ट, तो हम क्या करें। तो अब जानते हैं दोस्तों, ये जो इंटीग्रेशन है पूरा, ये इंटीग्रेशन जो है इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये जो अपना एरिया है, ये वाला एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स एक्सिस, कर्व एंड एक्स एक्सिस बिटवीन दीज लाइन, ये पूरा इंटीग्रेशन जो है इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। अब देखो, अगर मैं यहां पर एक रेक्टेंगल बना देता हूं कुछ इस तरह से, राइट, तो बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो आप देखिए, इस रेक्टेंगल की विड्थ तो कितनी होगी, 3 पाई बाय 2 पाई के बीच में, तो ये लेंथ कितनी होगी, पाई बाय 2, करेक्ट। और हाइट जो है इसकी वो ये होगी पूरी, और ये कितना है, 2 अपॉन 3 पाई माइनस 2, तो ये एरिया है देखो इस रेक्टेंगल का, राइट। सिमिलरली एक रेक्टेंगल और हम ऐसे बना लेते हैं ये वाला, तो इस रेक्टेंगल का एरिया भी, इसकी भी विड्थ पाई बाय 2 हो जाएगी और इसकी हाइट हो गई 1 अपॉन 2 पाई। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 1 बाई 4 हो गया,
एलसीएम ले लेते हैं हम इसको, 4 टाइम 3 पाई माइनस 2, करेक्ट। और अगर हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको यहां बन जाएगा 4 पाई, ओके, और यहां 1 बाय 4 है तो प्लस 3 पाई माइनस 2, यानी कि आपको मिला 7 पाई माइनस 2 अपॉन 4 टाइम 3 पाई माइनस 2, करेक्ट। तो देखिए इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया मिलाकर के है 7 पाई माइनस 2 अपॉन 4 टाइम 3 पाई माइनस 2, और ये एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये इंटीग्रेशन आई के बराबर है, तो डेफिनेटली आई जो है अपना वो बड़ा है इससे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अपना ऑप्शन सही हो गया है ए, करेक्ट। तो ये ऑप्शन तो क्लियर हो। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन में देखिए और एक जैसी वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, यहां भी 3 पाई माइनस 2 डिनोमिनेटर में है। तो ऐसे ही फिर से अगर हम रेक्टेंगल के बारे में सोचते हैं तो अब की बार हम देखो दोस्तों ये वाले रेक्टेंगल लेते हैं, करेक्ट, ये पूरा रेक्टेंगल ले रहा हूं ये, राइट, और एक रेक्टेंगल हम लेते हैं ये। अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के यूजेस पढ़े हैं एरिया कैलकुलेट करने में तो आपको पता होगा कि हम इस तरह से काफी छोटे छोटे रेक्टेंगल बना करके और एरिया काउंट कर सकते हैं, उसमें लिमिट यूज करते हैं। फिलहाल हम यहाँ लिमिट यूज नहीं कर रहे हैं और ये दो ही रेक्टेंगल मैंने बनाए, तो इन दोनों का एरिया देखते हैं कितना होगा। तो फिर से दोनों रेक्टेंगल का जो विड्थ है अपना वो तो है पाई बाय 2, और इस वाले रेक्टेंगल का हाइट होगा दोस्तों यहां से यहां तक 1 बाय पाई, करेक्ट, और प्लस इसका भी विड्थ है पाई बाय 2, राइट, और इसकी हाइट हो गई अपने पास ये 2 टाइम 3 पाई माइनस 2। आई होप समझ में आ गया होगा, इसकी हाइट ये हो गई इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। इन दोनों को अगर हम सम कर लेते हैं, फिर से देखिए एलसीएम ले लेते हैं 2 टाइम 3 पाई माइनस 2, इनका ये कैंसिल आउट हो गया ऐसे, तो यहां आपको मिलेगा 3 पाई माइनस 2 और प्लस 2 पाई यहां मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये हो गया दोस्तों 5 पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम 3 पाई माइनस 2, और आप देख सकते हैं इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया इंटीग्रेशन आई से बड़ा है, तो ये टर्म बड़ी होगी आई से, यानी आई छोटा होगा इससे, तो आई दोस्तों इस टर्म से छोटा है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी अपना इनकरेक्ट हो जाता है, करेक्ट, राइट। और अब इस वाले ऑप्शन को देखिए, ये ऑप्शन ऑलरेडी इसका डबल है, राइट, तो अपना आई तो पहले से ही छोटा था 5 पाई माइनस 2 अपॉन 2 टाइम 3 पाई माइनस 2 से, अब मैं इसको डबल और कर देता हूं ऐसे, तो ये डेफिनेटली आई इससे भी छोटा हो, तो इसलिए ऑप्शन डी भी अपना इनकरेक्ट होगा। अब ऑप्शन बी हमारे पास बच जाता है, चलिए इसको भी चेक करते हैं। देखिए 3 अपॉन 4 पाई स्क्वायर है, अभी हमको ये पता चल चुका है कि आई का जो वैल्यू है अपना वो 7 पाई माइनस 2 अपॉन 4 टाइम 3 पाई माइनस 2 से बड़ा होगा, राइट, और 5 पाई माइनस 2 अपॉन 2 टाइम 3 पाई माइनस 2 से छोटा होगा, यानी इसके बीच में कहीं ना कहीं आई की वैल्यू आती है, ये रिजल्ट हमको मिल चुका है, राइट। अब अगर मैं दोस्तों अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेता हूं 3 अपॉन 4 पाई स्क्वायर की, तो आप पाएंगे कि इस टर्म का वैल्यू जो है वो 7 पाई माइनस 2 इससे भी छोटा ही है, राइट, तो आई डेफिनेटली इससे बड़ा होगा, तो ऑप्शन बी भी अपना करेक्ट हो गया है। तो इस तरह से द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एंड बी। सो ओके स्टूडेंट, तो देखा आपने किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के इस तरह के क्वेश्चन आपको जेई एडवांस में देखने को मिलेंगे, पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे कि जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के वो इस तरह से आ रहे हैं जिसमें हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के बजाय उसका कंपैरिजन करना होता है कि ये इंटीग्रेशन किसी पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ा है या छोटा है, राइट। और ये जो कंपैरिजन हम करते हैं ये कई बेसिस पे होता है, कुछ इनइक्वालिटीज हैं इसकी भी, किसी दो फंक्शन को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, फिर उनके इंटीग्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं, किसी फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की हेल्प से हम इंटीग्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं, उसके अलावा एरिया को भी हम यूज कर सकते हैं कंपेरिजन में, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, करेक्ट। अब देखिए ठीक ऐसे ही कई क्वेश्चन जेई एडवांस में ऑलरेडी आ भी चुके हैं, अगर आप उन क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा हो, आप वहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर हमने इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, और अगर आप कुछ
और कॉन्सेप्ट ऐसे हैं आपके जिन पर आप चाहते हैं कि हम आपको डिटेल में थ्योरी समझाएं, कुछ और एग्जांपल अगर आपको करने की ज़रूरत हो, ऐसा आप महसूस करते हैं कि हमें कुछ और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही उस पर एक वीडियो लेकर हम आए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड स्टे होम स्टे सेफ।